नमस्कार, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। अनुष्का शर्मा और वरुण धवन की जोड़ी अब बड़े पर्दे पर छाने के लिए तैयार हो चुकी है और हाल ही में अब सुई धागा का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। आपको बता दें कि इस फिल्म में अनुष्का शर्मा और वरुण धवन की जोड़ी नजर आएगी। ये दोनों ही एक अलग अंदाज में सबके सामने आ रहे हैं, जहाँ पर अनुष्का शर्मा काफ़ी डी ग्लैमरस लुक में है, वो एक सीधी सादी गाँव की लड़की के किरदार में है और वही उनके पति की भूमिका में नजर आ रहे हैं वरुण धवन। कुल मिलाकर इस फिल्म का जो ट्रेलर रिलीज हुआ है तो यहां पर बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा। ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही पावरफुल सा लग रहा है। दोनों वरुण धवन और अनुष्का शर्मा दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत रियलिस्टिक लग रहे हैं। वरुण धवन थोड़ा सा अनुष्का शर्मा से कम रियलिस्टिक लग रहे हैं, लेकिन अच्छे लग रहे हैं। ओवरऑल स्टोरी अच्छी लग रही है, जो दिखाना चाह रहे हैं वो दिख रहा है सामने। और क्योंकि दम लगा के हईशा भी अच्छी थी तो उसके जैसी ही लग रही है, लेकिन स्टोरी ऑब्वियसली टोटली डिफरेंट है और एक जर्नी है कि कैसे जो बंदा कुछ नहीं करता उससे वो सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे बनता है। और साथ ही साथ क्योंकि हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट किया गया है तो एक सोशल मैसेज भी है। ओवरऑल फिल्म का लुक अच्छा लग रहा है और ट्रेलर भी अच्छा लग रहा है, स्टोरी भी एक नई तरह की स्टोरी लग रही है, तो ओवरऑल ट्रेलर अच्छा है और अब वेट रहेगा कि कब मूवी रिलीज़ हो। अच्छा लगा ट्रेलर, काफ़ी अच्छा लगा। एक अलग तरह की कहानी जो आजकल बॉलीवुड इन चीज़ों को ढूंढने लग गया है, वो किसी पिटी चीज़ों से बाहर निकल कर कुछ नया लाने की कोशिश करता है। ऐसे में कहानियाँ जो इंडिया के गांव से निकल कर आती हैं और लोगों को पता चलती है, उस हिसाब से फिल्म बड़ी अच्छी लग रही है कि बहुत अच्छी होने वाली है। बस पता नहीं क्यों सब कुछ अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था वरुण धवन की जगह किसी और को होना चाहिए था। इस तरह की फिल्मों में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि वरुण जम नहीं पा रहे हैं। अनुष्का अच्छी लग रही थी उस रोल में, जो देहाती रोल कर रही हैं, जिस तरीके से रो रही है पूरा लग रहा था कि हाँ वो देहाती लड़की है, औरत है। वरुण का पता नहीं क्यों लग रहा था कि कुछ कोई और होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। सुई धागा का ट्रेलर देखा, बहुत ही अमेजिंग था। सबसे खास बात तो ये है कि अनुष्का शर्मा तो कमाल की लग रही हैं, पहली बार उन्हें इस तरह के रोल में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। गांव में हमने इस तरह की महिलाएं देखी हैं, लेकिन वाकई बहुत ही जब हम इसे सिनेमा घरों में देखेंगे तो ये अच्छा लगेगा। और अनुष्का शर्मा को इतना ज़्यादा बोल्ड से और इस अवतार में देखना बहुत अच्छा लग रहा है। ख़ासतौर पर वरुण धवन के बारे में भी कहना चाहूँगी कि अनुष्का शर्मा ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, वरुण धवन थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि उनसे वीक पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छा है। कुल मिलाकर ट्रेलर में ये भी दिखाता है कि किस तरह से अपना रोज़गार शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से मेहनत करते हैं। साथ ही ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाई गई है उसमें कि अगर उनकी जो चीज़ें हैं वो किस तरह से वो अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। तो कुल मिलाकर ट्रेलर जो है वो एक अच्छा मैसेज देती है, साथ ही अनुष्का शर्मा का लुक है अच्छा, तो सब कुछ अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। सुई धागा ट्रेलर देखा है, अच्छा लगा ट्रेलर, लेकिन जो हीरो हीरोइन है यानी वरुण धवन और अनुष्का शर्मा, शायद वो कहीं ना कहीं जस्टिस कर पाएंगे इस रोल के साथ या नहीं। एक्टर दोनों अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है, वरुण धवन की इमेज जो है वो एक कमर्शियल हीरो की है अभी तक भी, वो फनी टाइप कुछ जो डेविड धवन रीमिक्स बनाते हैं उन फिल्मों में अच्छा करते हैं, लेकिन एक सीरियस सा टॉपिक है। स्टोरी की अगर जहाँ तक बात की जाए तो ये स्टोरी एक स्ट्रगल वाली जो आम स्टोरीज होती है वैसी स्टोरी है। अब कितना खूबसूरती से इसको पिरोया गया है ये देखना होगा। देखने में फ़िलहाल अच्छा लग रहा है और लग भी रहा है कि अच्छी फिल्म बनेगी। तो अनुष्का शर्मा और वरुण धवन दोनों को ऑल द बेस्ट और एक अच्छी फिल्म बन के आएगी उम्मीद करते हैं। सुई धागा का ट्रेलर देखा, अच्छा है। एक बहुत ही देसी टाइप की मूवी लग रही है कि कैसे एक छोटा सा जो आदमी है जिसके घर में अपने घर में कोई वैल्यू नहीं है वो आगे चल के कैसे एक बड़ा बिजनेस खड़ा करता है। साथ ही इसमें मध्य प्रदेश की जो बुनकरों की जो स्टोरी है वो भी दिखाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अनुष्का शर्मा वरुण धवन से बड़ी नज़र आ रही हैं। और साथ ही जो वरुण धवन की डायलॉग डिलीवरी है उससे ऐसा लगता है जैसे किसी कोई बच्चा बोल रहा है, ऐसा कुछ दमदार डायलॉग्स बोलते वो नहीं नज़र आ रहे हैं काफ़ी, उनकी जो आवाज़ है बच्चों जैसी लग रही है। लेकिन अनुष्का वहीं उनके कंपैरिजन में अनुष्का शर्मा की एक्टिंग तो है ही लाजवाब, लेकिन वो उनसे जैसे पति पत्नी का रिश्ता दिखाया तो काफ़ी बड़ी नज़र आ रही हैं, लेकिन ओवरऑल स्टोरी में दम है। ऐसी टाइप की मूवी लोगों को खासा आकर्षित करती है और वो लोग जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे ये सब स्टार्ट हुआ,
तो मूवी तो अच्छी है, मतलब ट्रेलर तो अच्छा है, मूवी देखने वाली बात होगी कैसी होगी? पहली बार सुई धागा के ट्रेलर को देख के लगा कि वरुण धवन भी कुछ सीरियस जैसा किरदार कर सकते हैं। आधी फिल्म में हालांकि वो अपने पुराने किरदारों जैसे ही दिखे हैं, लेकिन आधी फिल्म आधा जो ट्रेलर बाद में दिखा है उसमें वो कुछ सीरियस एक्टिंग करते हुए दिख रहे हैं। अनुष्का थोड़ा पहले भी ऐसी दिख चुकी हैं बट इतना ज़्यादा नहीं दिखी हैं। सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा है, हालांकि फिल्म को देखते हुए हमें दम लगा के ऐसा जैसा भी कुछ लग रहा है कि कुछ उसकी भी कॉपी की गई है ट्रेलर को देखते हुए। ओवरऑल कहें तो कंटेंट पर कितना फोकस्ड रहते हैं ये देखना होगा इस फिल्म में, क्योंकि वरुण धवन अभी तक काफ़ी कॉमेडी वाली फिल्में कर रहे थे तो इस सीरियस किरदार को कैसे निभा पाते। हालांकि अनुष्का ने बेहतरीन साथ दिया है, वो अभी बहुत ही अच्छी लग रही हैं फिल्म के ट्रेलर में, उनके डायलॉग डिलीवरी बहुत ही कमाल के हैं, तो उम्मीद करते हैं कि फिल्म भी काफ़ी अच्छी होगी। सुई धागा का ट्रेलर देखा, ट्रेलर बहुत ही मज़ेदार है, अनुष्का शर्मा और वरुण धवन की केमिस्ट्री देखने लायक है। अनुष्का की एक्टिंग की बात करें तो वो मुझे बहुत पसंद आई, उनके सामने वरुण धवन कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं, हालांकि उनकी मूंछों वाला लुक काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इसमें, और देखना होगा कि मूवी कैसी होती है क्योंकि ट्रेलर काफ़ी मज़ेदार लगा। आजकल बॉलीवुड में एक फैशन चल पड़ा है रीमेक बनाने का या फिर किसी चीज़ को कॉपी कर लेने का, उस चीज़ को हटकर बनाई गई है ये फिल्म। खास बात यह है कि गांव के एक गरीब आदमी के और खासकर जो अपना काम शुरू करते हैं उन लोगों को ये लेकर फिल्म बनाई गई है। काफ़ी अच्छा लगा ट्रेलर, अनुष्का शर्मा और वरुण धवन काफ़ी जच रहे हैं। तो देखा आपने, कुछ लोगों ने सुई धागा के ट्रेलर को अच्छा रिव्यू दिया तो किसी को ये ट्रेलर पसंद नहीं आया। वही इसी तरह से अनुष्का शर्मा के रोल को लोग पसंद कर रहे हैं, वही जो वरुण धवन है उनके रोल को काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी जब 28 सितंबर को ये फिल्म बड़े पर्दे पर दस्तक देगी तो दर्शक इस फिल्म को कितना पसंद करेंगे। लेकिन फिलहाल तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप जाइए और सुई धागा का ट्रेलर देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।